हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेचर एंड नर्चर, यानी प्रकृति एंड पोषण, यानी अनुवांशिकी एंड वातावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसी को कहते हैं। तो आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में तो लोग हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिए। आज सब डाउट आपका क्लियर होने वाला है, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेचर एंड नर्चर यानी कि प्रकृति एंड पोषण, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकृति यानी नेचर क्या है, यानी कि हेरिडिटी क्या है। इसे हेरिडिटी भी कहते हैं, अनुवांशिकी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति यानी नेचर, ठीक है, यानी इसे हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी कहते हैं। तो अनुवांशिकी हेरिडिटी जो होता है वो उसका आधार जो होता है क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र, यानी कि डीएनए से जो जीन का निर्माण होता है, जीन से जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करती है, तो इसका आधार जो है जीन होता है, यानी डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है। तो हमारे शरीर में कितनी गुणसूत्र पाई जाती हैं, आप सबको पता होगा 46 गुणसूत्र पाई जाती हैं, लेकिन कितनी जोड़ी जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी पाई जाती हैं। 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी जो सिमिलर होती हैं, यानी कि सेम शेप कोशिका विभाजन करती है, एंड 23वां जोड़ी जो होता है जो महिलाओं में XX होता है एंड पुरुषों में XY होता है, इस अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, यानी कि ये जो है दोनों के मिलने से, जैसे कि जो पुरुषों के शुक्राणु यानी स्पर्म, स्त्रियों के अंडाणु यानी ओवम के मिलने से संयुक्त कोश यानी जाइगोट का निर्माण होता है, और जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, और जाइगोट का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसिस प्रक्रिया कहते हैं। कौन सा प्रक्रिया? ब्लास्टोसिस प्रक्रिया कहते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, और यही हमारे अनुवांशिकी का आधार होता है। यहीं से अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी अपना काम करना शुरू कर देती है। जो अनुवांशिकी का आधार जो है हमारा जीन होता है, तो ये इसी प्रक्रिया के द्वारा हमारी प्रकृति यानी अनुवांशिकी जो है का विस्तार होता है। तो हम अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे कि तो इस प्रकार इससे हमको क्या क्या मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्रकृति यानी जो हमारा नेचर है, यानी जो हमारी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी है, इसको हम नहीं बदल सकते, इसको हम नहीं बदल सकते, यानी ये फिक्स होता है, स्टैटिक यानी गतिहीन यानी अस्थिर होता है, अपरिवर्तनशील होता है। कैसे? क्योंकि यह मानव ढांचे को एक सशक्त आधार एवं कार्य प्रदान करता है, यानी कि जैसे हमारे हेयर कलर हो गए, आइज कलर हो गए, बॉडी वेट हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, इन सबको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं ना। ये हमारे अनुवांशिकी कुछ क्या कहते हैं, डिजीज हो गया, यानी कि रोग हो गया, जो हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं, ये सब हम बदल तो नहीं सकते। यानी कि प्रकृति ने जो मुझे दिया है, अनुवांशिक रूप से जो मुझे मिला है, यानी हेरिडिटी ने जो मुझे दिया है, उसे हम नहीं बदल सकते। हेयर कलर को नहीं बदल सकते, ब्लड ग्रुप को नहीं बदल सकते, जो भी प्रक्रिया है उसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। तो ये हमारी प्रकृति हो गया, ठीक है। तो अन्य वातावरण यानी पोषण यानी नर्चर जो होता है, ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट जो होता है, तो प्रकृति यानी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी लक्षणों को, कार्यों को हम तो बदल नहीं सकते, बट जो हेरिडिटी यानी कि इन्वायरमेंट जो होता है वो व्यक्ति के व्यवहार को और सशक्त बनाता है। इतना प्रकृति ने सारी ढांचा दे दिया, ब्लड ग्रुप दे दिया, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कलर दे दिया, ठीक है, उसके बाद उसको विकसित करने का, उसको विकास करने का, उसके बिहेवियर को, जो हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, वो सब चीज़ हम वातावरण में एक इन्वायरमेंट में आके सीखते हैं। तो इन्वायरमेंट को हम बदल सकते हैं, ये डायनेमिक होता है, यानी गतिशील होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। आज किसी अन्य वातावरण में है, कल किसी अन्य वातावरण में रहेंगे, परसों किसी और अन्य, यानी कि इन्वायरमेंट को हम बदलते रहते हैं, किसी एक इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं। इसलिए इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, प्रकृति यानी नेचर यानी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है।
हमारे मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी हेरिडिटी होती है यानी नेचर जो प्रकृति होती है उसे हमें वो हमें क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, एक आधार प्रदान करती है, लेकिन उसको क्षमता को विकसित करने का, उसको पोषित करने का यानी पोषण करने का कार्य जो है वो वातावरण करती है, ठीक है, वो वातावरण करती है। जैसे एक बच्चा जन्म लेने के बाद यानी माँ के माँ ने बच्चा को जन्म दे दिया और उस बच्चे को माँ पाले पोसे पालन पोषण करे ही ना, तो वो बच्चा क्या हो सकता है, वो बच्चा मर जाएगा। उसी प्रकार ये पालन पोषण जो हमारे वातावरण करती है वो इंसान को पालन पोषण करती है, उसको बिहेवियर देती है, सिखाती है, ठीक है। यदि बच्चे को इन्वायरमेंट न दिया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको कोई भी चीज़ न दिया जाए तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो क्षमता तो प्रकृति ने प्रदान कर दिया, लेकिन उसको विकास करने का पालन पोषण करने का कार्य पर्यावरण करती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अब तक कि प्रकृति यानी नेचर और नर्चर का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है हमें क्षमता प्रदान करती है, आधार देती है, और उसको पोषित करने का कार्य हमारा इन्वायरमेंट करती है, विकसित करने का कार्य हमारा इन्वायरमेंट करती है। तो इस प्रकार एक ढांचा प्रदान करता है, एक जन्म देता है, तो एक पालन पोषण करता है, ठीक है। तो इस कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो है सबसे तेज इसी से प्रभावित होती है, यानी नेचर एंड नर्चर से प्रभावित होती है, अनुवांशिकी एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, प्रकृति एवं पोषण, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, तो इससे प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है, तो नेचर एंड नर्चर। ये नहीं दिया रहेगा तो अनुवांशिकी एवं वातावरण दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा तो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दिया रहेगा, ये भी नहीं दिया रहेगा तो प्रकृति एवं पोषण दिया रहेगा, किसी माध्यम से बात वही है, ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास की सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है, ठीक है, नेचर एंड नर्चर से, ठीक है। तो निष्कर्ष रूप से क्या निकलता है कि व्यक्ति कायिक बनावट या शारीरिक बनावट जो है उसको नहीं बदल सकता, लेकिन उसे ऐसा सौहार्द और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है जिसमें वह अपने विरासत में मिली यानी हेरिडिटी यानी अनुवांशिकी से मिली अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक विकास कर सकता है वातावरण में आकर, इन्वायरमेंट पाकर, ठीक है। तो इस प्रकार वंशानुगत एवं वातावरण इसी प्रकार से व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा बनता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है या कौन प्रभावित करता है, तो अनुवांशिकी एवं वातावरण, ठीक है, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, चाहे बोलिए प्रकृति एवं पोषण, चाहे बोलिए नेचर एंड नर्चर। तो दोस्तों और एक पूछ सकता है हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। एंड जीन का मतलब हमारे जो अनुवांशिकी का आधार कौन होता है, तो जीन होता है। एंड हमारे कौन कौन से महिलाओं में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, कौन पाया जाता है, तो XX। एंड पुरुषों में कौन पाया जाता है, तो XY। XX पुरुषों का यक्ष, महिला का यक्ष मिलने से लड़की का जन्म होता है, ठीक है। अब पुरुषों का वाई एंड महिलाओं का यक्ष या वाई मिलने से लड़के का जन्म होता है, इसको भी ध्यान रखना आवश्यक है, एक भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एंड पुरुष के अंडाणु और महिला के पुरुष के शुक्राणु एंड महिला के अंडाणु के मिलने से संयुक्त कोष जो होता है उसे जायगोट कहते हैं, और ब्लास्टोसिस प्रक्रिया भी कहते हैं जिससे हमारे भ्रूण का निर्माण होता है। तो भ्रूण का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, ब्लास्टोसिस प्रक्रिया से। इतने क्वेश्चन इतने ही छोटे टॉपिक से बन सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको इग्नोर थोड़ा भी मत कीजिएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा हर वक्त पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेचर एंड नर्चर यानी प्रकृति एवं पोषण यानी हेरिटेज एंड वातावरण इन्वायरमेंट यानी अनुवांशिकी एवं वातावरण के बारे में। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों यदि आपके मन में कोई सवाल है किसी टॉपिक से लेकर, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।